हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि वेस्ट बंगाल में टॉप 10 कॉलेज में से ये हमारा एक कॉलेज आता है। साथ ही साथ अगर मैं विवजी की बात करूँ तो टॉप 5 कॉलेजेस में से ये एक हमारा कॉलेज आ जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अपन इस वीडियो में बात किए थे व्हाट्सएप फैसिलिटी के बारे में, तो आपकी जो भी क्वेरीज हो आप हमें डायरेक्टली मैसेज करें, आपकी क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम उसे फिलफिल करने की कोशिश करें। वीडियो के एंड में अपन कंपैरिजन करेंगे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आईएम और टेक्नो मेन्स सॉल्ट लेक का क्या क्या कमियां आ जाती है और क्या क्या है इसमें, इस कॉलेज में जो कि अदर्स में नहीं है, ये अपन जानेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं मेनली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तो तेरे दिल में थम चुका हूं, बस तेरा बन चुका हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तो आ गए अपन स्लाइड पे। ये हो गया हमारा हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बाहर का सीन है, ठीक है। ये रास्ता हो गया जाने का, ठीक है ठीक है। और ये देखो, ये प्लेग्राउंड हो गया फुटबॉल वाला, ठीक है। और यहाँ हॉस्टल्स, मतलब अंदर में ही हॉस्टल फैसिलिटी भी है, ठीक है। कैंपस के अंदर में दिख रहा होगा कितना बड़ा कैंपस है, 70 acres का इसका एरिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो कैंपस एरिया की। लोकेटेड है चौबागा रोड नियर द ईस्ट कोलकाता टाउनशिप वेस्ट बंगाल। ओके, ये हो गया। और कैंपस की बात की जाए तो साइज हो गया तो आपका 70 acres, जो कि मैं पहले बोला फाउंड मतलब बना था, एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की बात करें तो मतलब कि अगर हम मुझे यहाँ पे पहुँचना होगा, कॉलेज पर आना होगा, तो मैं कैसे आऊँ, मतलब कितना डिस्टेंस है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 14.3 किलोमीटर की दूरी पे है। और हावड़ा रेलवे स्टेशन, मतलब हावड़ा जंक्शन जो है हमारा, ठीक है, उससे आ जाता है 18.2 किलोमीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज फैसिलिटी। तो कॉलेज के कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये अपन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल में होता क्या है ना कि कंप्यूटिंग फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, मतलब कि कंप्यूटर्स वगैरह अवेलेबल है नॉर्मल जो होता है, और वाईफाई कनेक्शन भी सारा अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट्स में बात करें तो आउटडोर इनडोर गेम दोनों अवेलेबल है, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल, गोल्फ और क्रिकेट, सारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड यहीं पे आपको अवेलेबल है। कैफेटेरिया की बात की जाए तो 4 कैफे ग्राउंड में ही है, जिसमें कि ना 120 के सीट के अप्रॉक्स उसमें अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है एक तरह से, है ना। अब बात कर लेते कॉमन रूम्स की। तो कॉमन रूम्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेटली कॉमन रूम्स है, मतलब कॉमन रूम्स हो गया कि विथ इंडोर गेम्स। इंडोर गेम मतलब इंडोर गेम कौन कौन से हो गए, जैसे कि अपन लूडो, टेनिस, कैरम, चेस, ये सब हमारा आ जाता है इंडोर गेम, ठीक है। चलो हेल्थ की बात करें तो वहाँ पे अंदर में ही ग्राउंड में ही एक होता है ना कि मेडिकल यूनिट जो है ना वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। बैंकिंग की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक वहाँ लोकेटेड है, ATM भी है, और वहाँ से आप जो है तो सॉफ्ट लोन भी ले सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं अब कैंपस की। तो यहाँ पे 6 hostels हैं बॉयज़ के लिए और 4 girls के लिए, ठीक है। ऑन कैंपस रिमेंबर ऑन कैंपस, ठीक है, ये फैसिलिटी है, ठीक। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि मतलब वहाँ पे ना टीचर्स वगैरह का सपोर्ट बहुत मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑन कैंपस ही ना टीचर्स का भी रूम अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उनसे भी बहुत सारा हेल्प ले सकते हो, समझ ही रहे हो ना। चलो अब बात कर लेते हैं मेस फैसिलिटी यहाँ पे और हॉस्टल चार्ज। तो हॉस्टल चार्ज यहाँ पे 4,000 है, मेस फैसिलिटी के लिए मेस चार्ज यहाँ पे 25,000 है, और 3 times खाना मिलता है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी वो भी अच्छा खासा है यहाँ पे। कॉमन रूम्स जो कि मैंने पहले भी बोला कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेटली है, वहाँ पे टेबल टेनिस, कैरम, चेस, ये सब अवेलेबल है, ठीक है ठीक। उसके बाद बात करें कि वॉशिंग मशीन, देखो वहाँ पे एक ये है कि मतलब हर एक फ्लोर पे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वो ठीक है, चले, है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, तो एडमिशन कैसे लें भैया, इतना कुछ तो बता दिए, अब बताओ एडमिशन कैसे लें इसको।
सही बात है, बिल्कुल। अपन बात कर लेते हैं अब एडमिशन प्रोसीजर की। तो वेबजी से 80% सीट फिलअप होता है, 10% जेई मेन से और 10% मैनेजमेंट कोटा से। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है कि आपको मैनेज करके एडमिशन करवाया जाएगा, मतलब जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या कुछ भी हैं तो उसको मैनेज करते हुए आपका एडमिशन किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका कुछ ये नहीं है कि वेबजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या जेई मेन्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड अगर कुछ भी जानना हो तो नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, उनसे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कोर्सेज कितने हैं। तो टोटल 9 कोर्सेज इसके अंदर आते हैं, CSE, ECE, IT, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक और लास्ट वन जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। बात करते हैं कि हेरिटेज में कट ऑफ कितना जाता है भैया। कट ऑफ क्या 2020 में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया था, जिसका रैंक लो भी था वो भी आगे निकल गया और जिसका रैंक हाई था वो भी नीचे चला गया। इसके बारे में अपन बात करेंगे जो कि वीडियो आएगा इसके जस्ट बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो वरना ढूंढने में से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं फिर। तो CSE में अगर कंप्यूटर साइंस में CSE में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखें तो 349 पे ओपनिंग था जनरल, और जनरल ST इसके बारे में अपन बात करें। देखो जनरल ST क्या है कि यहाँ पे ना अगर आप बिहार से हो या अदर स्टेट से हो तो आप जनरल कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। और ST ये सब हो गया कि जो कोलकाता में प्रॉपर रहते हैं तो उसके लिए ST है ना। तो बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रीम्स मैंने पीछे बताए 9 स्ट्रीम्स, तो उनका सबका कटअप दिया हुआ है यहाँ पे, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। चलो बात कर लेते हैं अब इसमें कि फ़ी कितना है। तो यहाँ पे फ़ी सारा मेंशन है, लगभग अगर मैं सबको जोड़ूँ तो इसका फ़ी आ जाता है टोटल 4.12 लाख इसका टोटल फ़ी जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की अगर मैं बात की करूँ तो एवरेज पैकेज 4.5 to 5.3 लाख पर ईयर जाता है। साथ ही साथ अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो CSE को दिया गया था जो कि 23 लाख पर ईयर दिया गया था, ठीक है। प्लेसमेंट रेशियो इस कॉलेज का बहुत अच्छा है, ठीक है। 90 to 95% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, और CSE की बात करूँ तो 97-98% बच्चों का प्लेसमेंट हो ही जाता है, 99% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, जो भी बैठते हैं लगभग उनका प्लेसमेंट हो ही जाता है। चलो ड्रीम कंपनीज यहाँ लिखा हुआ है, और वो है माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और सैमसंग, ये कंपनीज ड्रीम कंपनीज है। और ऐसे अगर मैं मास रिक्रूटर कंपनीज की बात करूँ तो वो TCS, विप्रो ये सब आ जाता है, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं IIM और टेक्नो मीन सॉल्ट लेक के साथ। अगर मैं दोनों के साथ सबसे पहले एरिया वाइज करूं तो दोनों का एरिया यानी IIM और टेक्नो मीन सॉल्ट लेक का छोटा है, इसका बड़ा है बहुत, मतलब उससे का अगर कंपैरिजन करूं तो, ठीक है। और उनमें हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं भी तो एक या दो, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ जैसे अगर मैं IIM की बात करूँ तो वहाँ पे ये है कि आपको ड्रेस वगैरह ये सब मेंटेन रखना होगा, टाइम पे जाना होगा, टाइम पे क्लास करने होंगे ऑफलाइन में, ठीक है। और लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ड्रेस भी ऐसा नहीं है कि आपको, समझ ही रहे हो ना, हाँ। और साथ ही साथ यहाँ पे AC रूम्स वगैरह हैं, ठीक है, सारे रूम जो भी हैं तो AC प्रोवाइड किए जाते हैं और क्लासेस में, ठीक। अगर मैं कंपैरिजन करूँ फेस्ट, जो भी फेस्ट होते हैं उसकी कंपैरिजन करो तो यार सब इसमें अच्छा फेस्ट किया जाता है, क्योंकि सोचो ना यार एरिया बड़ा है, समझ रहे हो ना, तो अच्छा हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस सभी अवेलेबल है ना, जैसा कि अपन वीडियो में बात की है, ठीक है। अब इसके बात कर लेते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। कुछ नेगेटिव पॉइंट, अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो जैसा IIM में टाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से वहाँ पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वो होता है कि हाँ पढ़ाई करना है हमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमी आ जाती है इसमें, है ना।
अपन फील कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब मुझे कॉलेज का अच्छा लगा, ठीक है। आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो अगर आपका रैंक अच्छा आया हो। साथ ही साथ हमारे उस वीडियो का इंतजार करें जो कि बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा, और उस वीडियो को भूल से भी मिस मत करना, ठीक है, मिस मत करना, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और आपको अगर कम भी रैंक आएगा ना तो अच्छा कॉलेज कैसे मिले हम आपको बताएंगे, आपको हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा खोजना पड़ेगा बट यह आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, और यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखो भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको खोजने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.